मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा 30 मई से 3 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान देवघर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक की गई, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के घर तक पहुंचाने की रणनीति तय की गई। इस बैठक में देवघर भाजपा जिलाध्यक्ष सह विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह के अलावा झारखंड प्रदेश क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र भाई सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीस मई को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाले जो कार्यकाल है 9 वर्ष का, वो पूरा हो रहा है। इस 9 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ अपने झारखंड प्रदेश में भी एक माह व्यापी महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया, जिसमें राष्ट्र निर्माण के इस 9 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए अमित शाह जी का आना, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होना, इसके बाद शक्ति केंद्रों का गठन हम लोगों ने कराया जिसमें देवघर जिला एक नंबर पर रहा, इन चीजों के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्य समिति की हुई और ये कार्यक्रम हम लोगों को आगे ले जाना है, इसी निमित्त आज बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति रेगुलर बैठक, जब प्रदेश कार्य समिति बैठक के एक हफ्ते के भीतर जिला कार्य समिति बैठक होती है और जिला कार्य समिति के एक हफ्ते के भीतर मंडल कार्य समिति की बैठक होती है, तो रूटीन कार्यक्रम है पार्टी का, तो उस नाते बैठक हुई है। आगे क्या है योजना बनाई गई आज इस बैठक? हाँ बिल्कुल, आगे योजना बहुत ही व्यापक जनसंपर्क अभियान, महाजनसंपर्क अभियान है 30 मई से 30 जून तक। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर मंडल से लेकर जिला स्तर से प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर के नेता तक जो है हर लोकसभा में लोकसभा सम्मेलन